विस्फोटक खबर है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन की धरती पर पुतिन पहुंच गए अचानक से। मारियोपोल की सड़कों पर खुद कार ड्राइव करते हुए दिखे पुतिन। पुतिन ने शहर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। रूसी हमलों में मारियोपोल में भारी तबाही हुई। उसके बाद आज पुतिन ने दौरा किया मारियोपोल का। ये रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे प्रभावशाली तस्वीर है। ये पुतिन के यूक्रेनी जमीन पर पहुंचने की तस्वीर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मारियोपोल पहुंचे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन डोनबास के उस इलाके में पहुंचे जिसे रूसी सेना ने कब्जे में लिया है। उनके साथ रूस के डिप्टी पीएम मरात खुसनुलिन नजर आए। वीडियो में पुतिन खुद कार ड्राइव करते नजर आए। दावा किया गया है कि पुतिन ने यहां पर रिस्टोर वर्क और मौजूदा हालातों का जायजा लिया। रशियन स्टेट मीडिया के मुताबिक पुतिन की सरप्राइज विजिट के बारे में कुछ ही लोगों को मालूम था। पुतिन पहले हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे और फिर वहां के फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फ्रंटलाइन के नजदीक खुद कार ड्राइव करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने रास्ते में उतरकर वहां पर मौजूद लोगों से बात भी की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट जारी करने के बाद पहली बार पुतिन यूक्रेनी बॉर्डर के इतने नजदीक खुलेआम घूमते नजर आए। इस दौरान पुतिन बेखौफ और बेझिझक अपनी मौजूदगी यूक्रेनी धरती पर दर्ज कराते दिखे जिसे रूसी फौज ने अपने कब्जे में लिया। मारियोपोल विजिट से पुतिन का ओपन चैलेंज दुनिया के सामने है। आईसीसी के वारंट के बाद रूस से बाहर निकले राष्ट्रपति पुतिन। अरेस्ट वारंट के बीच रूस से बाहर आए हैं पुतिन। मारियोपोल विजिट से पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पश्चिम के साथ अपनी शर्तों पर ही वो आगे बढ़ेंगे। क्रीमिया के बाद पुतिन का मारियोपोल पहुंचना इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन के कब्जा किए गए शहर को नहीं छोड़ेगा। दुनिया की नजर में मारियोपोल भले यूक्रेन का हिस्सा है लेकिन जनमत संग्रह कर रूस इसे अपना बता चुका है। 16 मई 2022 से रूसी सेना का मारियोपोल पर कब्जा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन के मारियोपोल पहुंचने से युद्ध की नई तस्वीर क्या होगी। पुतिन का मारियोपोल पहुंचना क्या अमेरिका को खुली चुनौती है? क्या पुतिन ने जता दिया कि वे समझौते के लिए तैयार नहीं है? क्या ये पुतिन का ऐलान है कि कब्जे वाले इलाके अब मुक्त नहीं होंगे? पहले क्रीमिया फिर मारियोपोल, जिनपिंग के मॉस्को दौरे से इसका क्या कोई कनेक्शन है? क्या शी जिनपिंग की शह पाकर पुतिन का हौसला बढ़ गया है? क्या पुतिन के मारियोपोल दौरे से वॉर जोन में टकराव और भीषण होगा? पुतिन का मारियोपोल जाना क्या पूरे युद्ध की तस्वीर बदल देगा? हालांकि क्रीमिया पर रूस के कब्जे को आधिकारिक रूप से लगभग मान लिया गया है लेकिन मारियोपोल की स्थिति बिल्कुल अलग है क्योंकि मारियोपोल को वापस यूक्रेन को दिलाने पर पश्चिम की घोषित सहमति बन चुकी है। और वहीं रूसी सेना पर क्लस्टर बम से हमले का आरोप लगा है। क्रेमेटोरस्क में क्लस्टर बम से हमला हुआ है। रूसी हमले में 2 नागरिकों की जान चली गई। 8 घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। एक बार फिर से यूक्रेनी जमीन पर आसमान से अंगारे बरसाए गए हैं। एक बार फिर से हड्डियां पिघलाने वाले केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है। रूसी सेना पर आरोप है कि उन्होंने क्रामातोर्स्क में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। डोनेस्क के रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रूस के केमिकल हमले में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जनरल पावलो किरिलेंको के मुताबिक रूसी सैनिकों ने बर्निस्की पार्क और एक फ्यूनरल ब्यूरो को निशाना बनाया। हमले के बाद दर्जन भर मकानों और कारों को नुकसान पहुंचा है। पावलो ने कहा कि क्रामातोर्स्क रूसी सैनिकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। यही वजह है कि उन्होंने जानबूझकर शहर पर हमला किया और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मारने की कोशिश की। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूसी फौज ने कॉन्स्टेंटियानिवका में भी आर्टिलरी अटैक किया और साथ ही मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। डोनेस्क वो इलाका है जिस पर कब्जे की जंग पिछले 1 साल से जारी है। कई मौकों पर डोनेस्क में आमने सामने की जंग हो चुकी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।